हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं एक टैबलेट का रिव्यू करूंगा जो कि अभी आप अपना स्क्रीन पे देख रहे हो, टैबलेट VB7। दोस्तों, ये जो टैबलेट VB7 है, मैं इसका यूज़, डोज, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, कंपोजिशन एंड वीडियो के एंड पे मैं इस VB7 टैबलेट का रिव्यू करूंगा, इसके आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो VB7 टैबलेट है, ये 10 टैबलेट्स का स्ट्रिप में मिलता है, कीमत है ₹175। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कंपनी के बारे में कि कौन सा कंपनी दवा को बनाती है। तो इसे जो कंपनी बनाती है दोस्तों, कंपनी का नाम है इंटास फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इसका कंपनी। अब बात करते हैं इसका कंपोजिशन कि क्या केमिकल सॉल्ट से इस टैबलेट को बनाया गया है। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ठीक है, मतलब बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से इसको बनाया गया। तो चलिए हम जानते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका हर एक टैबलेट में है कैल्शियम पेंथोनेट, विटामिन सी, विटामिन B3, बायोटीन, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B1 एंड फॉलिक एसिड। और दोस्तों, इसमें जो मिनरल्स ऐड किया गया है, पहला है हमारा कैल्शियम, दूसरा हो गया मैग्नीशियम, तीन दोस्तों आयरन, फोर नॉप पे जिंक, मैग्नेस, कॉपर, सेलेनियम और अमीनो एसिड में जिसमें जो ऐड किया गया दोस्तों वह है ग्लूटामिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड, ल्यूकिन, एल लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, एल आइसोल्यूकिन, एलानिन, सेरीन, फेनिलानिन, ट्रायोशिन, एल एर्गेनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन एंड एल हिस्टिडीन। तो ये होगा इसका कॉम्पोजिशन जो कि एक बहुत ही अच्छा और यूनिक कॉम्बिनेशन है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो ये उसकी कॉम्पोजिशन। अब बात करते हैं इसका यूज़ कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इसका एक नाम पे यूज़ किया जाता है एज ए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। दूसरा नाम पे तो इसका यूज़ किया जाता है जिनका हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उसको ये हम लोग एडवाइस करते हैं। लेकिन एक बात बता दो पहले ही कि हेयर फॉल को रोकने वाली कोई जादुई दवा नहीं है। जिन लोगों का न्यूट्रिशन का कमी के वजह से जो हेयर फॉल हो रहा है, उन्हीं लोगों में ये इफेक्टिव देखा जाएगा। बाकी आपका इसे अगर आप लोगे तो आपका ओवरऑल स्किन, हेयर, नेल, ये सब सारा ग्लो करेगा, ठीक है। तो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, तो इसका यही यूज़ है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का पूरा करना। तो ये उससे कुछ यूजेस। अब बात करते हैं इसका डोज कि कौन सा डोज में इस टैबलेट को लेना चाहिए। तो इसका जो रिकमेंडेड एंड एडवाइस डोज है, रोजाना एक टैबलेट सुबह और रात खाना खाने के बाद एक महीने के लिए, उसके बाद अगला दो महीना रोजाना एक टैबलेट रात को खाना खाने के बाद लगातार दो महीने के लिए, यानी टोटल 3 महीना कोर्स लेना है आपको। तो कुछ डोजेज। अब बात करते हैं इसका साइड इफेक्ट। तो दोस्तों, साइड इफेक्ट्स के रूप में एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, दैट्स व्हाई इसका साइड इफेक्ट अभी तक कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया गया है। लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स से अगर किसी को एलर्जी हो तो नौसिया, वॉमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन एंड हाइपरथर्मिया से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको हो सकता है। तो कुछ साइड इफेक्ट्स। अब बात करते हैं इसका प्रिकॉशंस यानी सावधानी कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में इसको लेना सेफ है या नहीं। तो दोस्तों, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, दैट्स व्हाई इसे आप प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन दोनों ही अवस्था में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रेगनेंसी में लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो कुछ सावधानी। अब बात करते हैं इसका रिव्यू कि ये जो VB7 टैबलेट है, इसका रिजल्ट कैसा है। तो जहाँ जहाँ पे मैंने इसके यूज़ के बारे में बताया है, अगर उस जगह पर आप इसे ले रहे हो, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ आपको यही जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।